अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो ये मेरे चैनल का आज दूसरा व्लॉग है, मे बी तीसरा भी हो सकता है क्योंकि कुछ प्लानिंग्स हैं मेरी, अगर वो उस पर मतलब मैं खड़ा उतरा और वो उसे प्रोसीड कर सका। खैर पॉइंट इसके आज डेट है आई थिंक 28 है, आज डेट है 29। कल जैसे कि हम पहुंचे थे यहाँ पर, तो आज रात ही हमने आके पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दोस्त आ गए थे, टाइम बहुत हो चुका था। एहसन की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तबीयत खराब थी उसका, तो हम जो है ना थोड़ी बहुत पैकिंग करके सो गए थे। तो अभी सुबह उठे हैं, रफली हमने जो सामान शॉपिंग वगैरह या जो लेके जाने वाली चीज थी वो हमने कर दी पैक, और हमने कहा कि यार सबसे पहले वेट किया जाए, उस लिहाज से फिर अगर वेट निकालना हुआ या डिवाइड करना हुआ वो हम जो है वो कर लेंगे। लाइक ऐसे कि अभी अगर मैं बता दूं ये फिलहाल बिल्कुल खाली है, इसका भी कोई भी हमने वेट नहीं मतलब इसके अंदर कुछ भी अभी तक नहीं डाला। ये हैंड कैरी होगा हमारा 7 kg, बट 2.5 या 3 kg का तो ये खुद है कि अंदर बगैर सामान डाले, ठीक है। एंड ये है मिड वाला, इसका वेट हमने मतलब इसमें हमने अपनी तरफ से ना जितना सामान डालना था, अब हमारा सामान बाहर कुछ नहीं पड़ा सिवाय उस कंबल के। ये मेरा कैमरा एंड मेरा लैपटॉप, वो शोल्डर बैग में इसकी कोई जुगाड़ लगाएंगे। ये जैकेट का कोशिश करूंगा कि मैं पहन कर जाऊं ताकि वेट और थोड़ा सा वो कह सकते ठंड की होगी और दिसदैट, ठीक है। ये है 14 kg और 6 kg इसमें रिमेनिंग है कि हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी 1 kg 1.5 kg का मार्जिन रखेंगे कि कम ही हो, ठीक है। एंड दिस वन इज बिग वन, मतलब ये इन सबसे बड़ा, मैं आपको खड़ा करके दिखाता हूँ बैक को, ठीक है। ओके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसका जो वेट है ये फुल फ्लैज हमने जो है ना इसे फिल कर दिया, फुल फ्लैज इसे हमने फिल कर दिया है। इसका बनता है 22 kg बनता है, मतलब 40 kg मुझे अलाउ है, 2 kg एक्स्ट्रा, तो हमने डिवाइड करना है इक्वली, ठीक है। वैसे तो उनका होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये है तो एक आपका लगेज जो है 32 से अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे ये 22 है तो इसमें से 3 kg जो है ना ऐसा मतलब सामान कुछ निकालेंगे जो हम डालेंगे इसके अंदर। ये 14 kg है, 3 वाला आ जाएगा इधर, तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 18-19 जो है 19-20 या 18-19 का जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, बाकी छोटा मोटा टॉयलेटरीज या कपड़े वगैरह कुछ भी होगा तो वो हम इसमें जो है वो डाल देंगे। ये हमारे थे प्लान्स और हैं प्लान्स, बाकी जो होगा वो पता नहीं कि क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन अभी देखते हैं। ऐसा से भी यही बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा साहब जो है वो पेट खाली करने गए थे अपना ब्रो। अच्छा वैसे मैं अभी यही सोच रहा, ओके हो गया, क्या हो गया? खा रहे नहीं हो, सिर्फ निकाली जा रहे हो, बेचारे की हालत देख मेरे चूला कुछ कुछ। अच्छा मैं अभी ये कह रहा था कि ये 22 kg है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल हम 3 kg निकाल लेते, इसमें भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या डालेंगे मुझे बताओ ना, ठीक है। और ये 14 kg है, इवन के वो 3 वाला अगर हम इसमें भी डालें ना तो हमारा छोटा मोटा टॉयलेटरीज दैट ये सारा सामान जो है वो उसमें भी आ सकता है, इसमें भी हम ज्यादा नहीं लगाते, हम कहते हैं जी हमारे पास 3 kg अभी तक पड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं लगाते। 3 kg में अगर रफली छोटा मोटा भी सामान आए क्या आ सकता है, तो वो हमारा जो है वो इसमें आ सकता है क्योंकि शूज भी हमारे आ गए हैं, वो मैंने पहन के जाने हैं, और बहुत है, और कहते हैं स्पेस भी बहुत है, जो चीजें आज इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जो है ना चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी, मतलब छोटी मोटी जो सामान है या वो एक दोस्त ने मंगवाए थे कुछ, ये 2 पीस भी हमारा रहता है, ये तो वो किसी के ऊपर भी ले रहे हैं, मतलब हम यूज कर सकते हैं। कितना को वेट होगा उसका यार, हमने वो ग्लव्स भी लेने हैं, वो नेक कवर भी लेना है, निकलते हैं बस, ये अभी थोड़ा सा उठाते हैं वालदा साहब को, नाश्ता वास्ता बनाए करते हैं और फिर जो है ना नहीं करना बाहर से करना यार, कुछ तो फ्रूट सैलेड कोई अंडे बॉइल करूँ, ये जब तक तो ऐसे कैसे ओके होगा। तो पानी वो दूसरा पियो ना, एक तो वॉमिट भी की थी, वही ना देखो ना, वॉमिट भी की है और मोशन भी लगे हुए हैं, नमकियात की कमी होगी, वो मैं मंगवाता हूँ या वो उठ जाए, वो पड़ा होगा क्या कहते हैं उसे। अच्छा जो भी नाम है, मेडिसिन लेता ना बस उधर ओके हो जाएगा, मेडिसिन तो होगा लेकिन फिर भी यार वो बड़ा मतलब बड़ी चीजें निकल जाती है ना, तो वो करेंगे ना तो एक वो हो जाएगा हाल बात, क्योंकि अभी आप सादा पानी भी पियोगे ना इवन के वो भी लड़ जाएगा। मेरे बेबी स्मोकी बहुत मिस करूंगा, तो उन्हें ये इसे नहीं लेके जा सकते, लेके जा सकते हैं, इसकी टिकट लगती है थोड़ी सी कितनी होती है टिकट, यही कोई 70-80 हज़ार होगी इसकी बस। पहले मैं अपना बंदोबस्त करूँ, पहले मैं अपना खाने पीने का तो करूँ, इसे भी ले जाऊंगा। बस इधर आप बता दें इंजीर का नाम कौन सा होता है, इंजीर वो है आखिरी वो जो पत्ते ही नहीं लगे हुए, वो मौसम में ये चल रहा है ना आई थिंक, इसलिए वो बड़े वाला वो उतर गया बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते बस ये, मतलब ये इसका नाम था बड़ा ट्रेंडिंग नाम था, मतलब ये कोई ना बस स्पेसिफिक है तो लगाने के लिए, क्योंकि देखो इसकी कितना शॉपिंग। हाँ हाँ ये अक्सर आपने देखा होगा कि लगे होते हैं ये, हाँ ये इनकी यही तो खूबसूरती होती है, ये देख रहे हो ऊपर तक, और इसे जहाँ आप शुरू में सेट कर दो ना तो वैसे निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से वॉल के साथ अटैच है ना तो उधर नहीं निकल रहा, वो देखो ऐसे एक वो अम्ब्रेला टाइप देता है। लेकिन मजा पता क्या बात है, जब इसके ये सारे पत्ते छड़ जाते हैं ना, जैसे अभी लाइक हो रहा है अभी, मतलब आएगा फिर जब दोबारा ग्रीन होते हैं फिर बहुत मजे का फ्रेश लगता। अच्छा तो अभी जो है ना फिर बस निकाल लें, एक दफा दोबारा हम जो है ना
डबल चेक कर लेते हैं कि सामान और हमने लेना क्या है, और जो मशीन लगानी है और वो चल के अभी मशीन भी लगानी है मेरे कार, लाइट है पर ही चल के मशीन लगाते हैं। अभी मेरे ख्याल में धूप तो है नहीं, लेकिन फिर भी दो दिन में सूख जाएगा। सूख जाएगा ना यार, मैं आपने इग्नोर कर दिया मेरी सारी बात को। वो मैंने सुन लिया मशीन वाली बात। हाँ ड्रायर करेंगे, सूख जाएगा। ड्रायर तो करेंगे ना, लेकिन लाइट, ये लव है भाई, ये बहुत लव है। ये सोना है, इतना प्यार मांगता है ना, इतना प्यार वो देते, कहते बस मुझे देते रहो प्यार। अच्छा तो अभी फिर जो कपड़े धोने वाले पे चले लेके ऊपर, आपको बताता हूँ कि मशीन कैसे धोती है। ठीक है, मशीन नहीं धोते। ओए मशीन से कैसे धोते हैं यार, तुम से नहीं लगा सकते साथ में। और धोना क्या क्या था वैसे? हुडी से। वो हुडी से अंदर रख दी है, और ये जो पैंट पहनी हुई, और जो ये मैंने ये पहना हुआ है। अगर मैं बताता चलो अपनी ऑडियंस को, मैं कब कहीं नहाया दोस्त, आज कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। यकीन करो 5 मिनट कह रहा हूँ, 5 दिन हो गए यार। सीन ही कुछ ऐसे थे, मतलब इधर से मैं जब लाहौर गया था मैं तब नहा के गया था, उसके बाद कोई सीन ही नहीं बना हमारा नहाने का, मतलब नहाने का सीन इस लिहाज से टाइम ही नहीं लगा। बस आज फिर जो है ना वो नहाते नहाऊंगा, हाथे से मुराद नहाऊंगा अभी तो। बस कपड़े जो है ना वो मशीन में डालते हैं जब तक ये ड्राई हो जाएंगे दो दिन में, क्योंकि बुध को इंशाल्लाह हमने निकलना है, तो उसकी भी अभी तक प्लानिंग नहीं की कि कैसे निकलना है, किसके साथ जाना है, गाड़ी पे या बस पे या क्या। फ्लाइट का भी पता कर रहे थे, मैंने कहा मंडे को है, तो आसिम भाई कहते कि ठीक है मंडे को चले जाओ। 3 दिन जाके पहले बैठ जाए, लेकिन यार फ्राइडे और मंडे को जाती है ना टिकट मेरी बड़ी गंदे टाइम। चलो अभी जो है ना वो कपड़े उठाते हैं, और उसके बाद जो है ऊपर जाके मशीन को चलाते हैं। सर मसला हो गया, मैंने देखना फिर मैंने दिमाग लड़ाया ना, हम चेक कर रहे थे कि ये जो लॉक है ना ये वर्क कैसे करते हैं, जिसमें जो हमने बैग साथ लेके जाने हैं हमने उस पर ट्राई करना था, मतलब कि जंजुआ सब उस पर ट्राई कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये ले लो प्रैक्टिस के लिए, अगर अल्लाह करे ना खुला, अल्लाह ना करे ना खुला तो मसला ना हो। और देखो ये अब खुल ही नहीं रहा, इन्होंने खोलते लिया बंद कर दिया और खोलना नहीं है दोस्त। ऐसे थोड़ी कहते हैं ब्रो, 00 मेरे ख्याल में वो अंदर से कोई मसला होगा। 00 करके देख लो ना, 00 है। इसके तो कार्ड भी होते हैं, इसके ऊपर देखो देखो केड़े कार्ड, वो देख नहीं निकलते अक्सर ना, उनके ऊपर लिखी होती है चीजें। छुरी क्या करनी है? उसका लोग ऊपर से दबाओ। लोग दबाओगे? एडा तू शाहूकार दोस्त, ऐसे कैसे होगा? क्या पता अड़ गया होना ये लोग इसके। नहीं भाई, ओए अरे भाई हेलो, ठीक है ओके, मैं वही तालियां ले लूंगा पाकिस्तानी होने के सबूत दूंगा, रहने दो आप। वो अपने इसको वो नहीं चेक किया जैसा वो टावर वाले चेक करके दिखाते हैं पिन ड्यूरेबिलिटी, वो जब ये भाई ने लेके चलाके मारते ऊपर नहीं होता कुछ, खाली है, खाली भी कुछ नहीं भाई जान। ये इसका जो मिड वाला साइज है ना वो लार्ज वाला दिखा दूं, अभी टूटा हुआ है ऊपर से, ये यहाँ से ये इस साइड से टूटा हुआ है। यार इसको तो खोलो भाई। उसको उसमें सामान नहीं पड़ा, कुछ भी निकाल लिया था, अभी फिलहाल इसे खोलो ताकि वो इसमें से अपर से अपर निकालें और ऊपर उसे जो है ना मशीन के अंदर डालें टाइम से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तब तक कुछ तो कौन सी रात को, ओ एक मिनट रुक, चेक तो करने दे, बुखार है क्या, क्या चक्कर है? बुखार नहीं, बुखार भी नहीं है। दूसरे की बात हुई थी, ज्यादा टिटू पार्टी नहीं लगाने की बात नहीं हुई, हूँ तू आ गए थे आए अपनी मर्जी से, हो जाओगे मेरी मर्जी से शाका। शेरा ये क्या कह दिया तुमने शेरा? हाँ शेरा यार ये इसका बड़ा रोला है, दोनों साइड से मुंह खोल के बैठ जाता है। अच्छी बात है क्या, मतलब वो कपड़े वाला ठीक नहीं है, नीचे रखो नीचे वाली साइड और बस। ये भी धोने वाला है, ये भी, ये जैकेट, ये कब तक धोने वाला है? ये आपने दोनों का मुझे कहा साफ है, ये तो नए है ना, मैंने कहा चाहिए पहना हुआ मैंने। यार क्या हो गया, तो दूसरे हुडी इसके अंदर डाले फिर इसके अंदर, वो ये इसके अंदर, हाँ वो भी तो है। 1 2 ओहो ये नहीं है, धोने वाले नहीं है, मतलब यार एक और मिसिंग है, ब्लैक नहीं ये है, 4 थे, एक पहना हुआ, 3 वो नहीं पड़ा हुआ किधर यार, ये ब्लैक वाला ये है, ब्लैक ये है, एक ये है, एक और था ग्रीन वाला, वो पतला सा लेकिन वो धोया हुआ है, वो साफ था, वो उसके अंदर है। हाँ बस ठीक है, वो धोया हुआ था लेकिन था ना, देखो मैं कह रहा हूँ ये धुली नहीं है, शर्ट धुली हुई थी वहाँ पर। अच्छा इसके अलावा शॉर्ट्स तो कह रहे हो आप नहीं लेके जाने, शूज भी धोने, शूज भी मशीन में डाल दो, हाँ धोने वाले, एक दफा धो लो ना, ये यहाँ की डस्ट, वो कहते ना घर की दीवार घर में गिर जाए तो इज्जत रह जाती है, इसका गांधी तेरी गिर जाए तो अच्छा है, वहाँ पर डस्ट नहीं होगी ना, यू नो धोने वाला जो है वो उठा लो। ये आप जैकेट कह रहे थे ग्रीन वाली, ये छोटी है ना, मतलब नहीं चलेगी, बात छोटी की नहीं है। हाँ और रेट भी तो उसका देखो ना, उस सबसे पफर से भी ज्यादा इसका रेट, वो रेट करो वेट है। बस फिर अभी ये सामान लेके जा रहे हैं और बाकी सामान, अच्छा देख लिया है कि साथ लेने वाला सामान, मतलब कि और लेने वाला सामान भाई, वो क्या नाम है, दो चीजें भी है, दो व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक शर्ट थी, एक चीज और ऐड की थी, ट्रिमर था, पैंट शर्ट है, ट्रिमर, वो बैग लेना है, सॉक्स लेनी है, नेक नेक वार्म लेना है और कैप लेनी है, वो क्या नाम है, क्या बैग, बैग लेना दूसरा, इसका वेट तो करो एक मिनट, ये लो इसका वेट तो करो कितना है, नहीं तो इसे वैसे बैग में डाल देंगे या देखेंगे। हाथ हटाओ, 5 किलो क्या शोल्डर में ही आएगा ब्रो, शोल्डर वाला सही है क्योंकि उसका वेट नहीं करना। वैसे इसके बैग का वो था लैपटॉप वाला सीन, ये पीछे वाले देखो जिपर है, खोलो इसे,
अगर लैपटॉप इसमें डाल दिया ना ये क्या नहीं ये तो उसका फुल का ही नहीं 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 ओ एम जी बुलाया करो लैपटॉप उसके अंदर डाल के लेके जाना इसको पहन के इसको बस सिंगल सेट पहन और जो लैपटॉप बैग है वो उसके अंदर रख वहां के लिए मेरी बात सुनो बैग तो वैसे ही लेना ये हालत देखो बैग की ठीक है सारा कुछ आपके सामने बैग ले लेते हैं साफ सुथरा सा अच्छा लेदर में थोड़ा सा बड़ा जिसमें कम्फर्टेबली जो है ना ये सारी चीजें आ जाए क्योंकि इसमें तो हमारा जो है पूरा शर्ट उठा के अंदर रख हाँ ऐसे कर लेंगे ये सही है 5 kg का यहाँ ये बस इसको हम शोल्डर बैग बना लेते हैं उसे ताकि हम यूज कर सके ठीक है तो बस चले ओके कपड़े तो खोल के चलो वो भी चलना है अपनी बेबी चलना ऊपर जहाँ पर तुम गुम हो जाते हो फिर आते नहीं हो चढ़ते यहाँ ऊपर वाली छत पे चला जाता है फिर रोता रहता है आवाजें आती रहती है मियाँ मियाँ के मुंह से पता नहीं क्या हो गया टेढ़े हैं डर के मारे सारा पखाना पकाना होता है माशाल्लाह कहते व्हाइट वाली सारी दे दी आपको लेके आनी है और मैंने क्या कहा था साथ में ऑफ द कैमरा बताऊंगा अभी सारे चल रहे हैं तो एक मिनट मैं चले फिर दो 3 hoodie और 4 hoodies फेंक दिए ये भी फेंक दूं क्या ये नहीं पता कितने केजी का कहाँ लिखा हुआ लिखा होता यही कर लेगा इस पे हम उसको हैवी पे लगा देंगे ना डीप ग्रीन पे तो डीप ग्रीन पे टाइम भी ज्यादा लेगा और हो ही जाएगा ये निकाल लो इजी सीन है दोस्त मतलब कि हो तो जाएगा वॉश हाँ। लेकिन फिर भी फेस छोटी है ना कि ताकि हर जगह क्लीनिंग सही से हो तो फिर क्या हुआ चक्कर तो दूसरा दोबारा लगने क्योंकि वो डालने बस ठीक ये डाल दो ना और ये तो मैंने पहले क्या डाला ट्राउजर डाला ट्राउजर तो निकालने देना समझो ना बात को आधी रात को इधर वो डालो ना आई मीन सर्फ डालो बल्कि पड़ा तो हुआ देख लो हंसपे जरूरत थोड़ा सा इधर उधर ध्यान क्योंकि वो पानी जब लगता है ना वो क्लॉड बन जाता है इधर हल्का सा बस 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 इतना ही होगा तो इसे डीप क्लीन पे लगा देते हैं किस पे मैं अपनी वीडियो को दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ इस टाइम इधर मैं आपको सिखाऊँ आपको ओके करो फिर करो अच्छा करो डीप क्लीन करना अब क्या चलो ये दोबारा नॉर्मल पे खड़ा कर दिया आपने मैं आपको बता दूं हैवी करना है क्लीन करना है क्विक अब इधर जाना तो कैसे जाएंगे ब्लिंक कर रहा है मतलब कि अब ये डीप क्लीन पे ओके यहाँ पर प्रो ये वाटर लेवल 6 वॉश टाइम दिस दैट ये ऑल ओके होता है ठीक है हम इसे जस्ट स्टार्ट कर देंगे ओ सॉरी सॉरी सेट कर दिया मैंने 6 ये देख टाइम ऊपर जा रहा है वो देखो 6 minutes के लिए लगाना है 6 minutes नहीं वाटर लेवल 6 तो पानी कितना मतलब इसमें आई थिंक भरना है शायद यही होता है ओके अब ये हो ही जाएगा जब तक हम सामान शमान लेके आएंगे ना 79 minutes इतना ज्यादा क्यों लगा यार वो डीप क्लीन करना था ना ब्रो डीप ओ मैं आ गया यार वीडियो में सॉरी यार कोई नहीं अभी ना दो अच्छे बन जाएंगे गया ऊपर गया मैक्स ही बैठी थी स्मोकी स्मोकी धूप निकल आई है वैसे चले फिर आप नीचे से टैबलेट खा लो हल्का पुल्का खाते हैं बाबा भी रेडी हो रहे ऐसे देते हैं इधर आओ शाहजहान शाहजहान बात सुनो टैना जी बात तो सुनो क्या कह रहे मुझे समझ नहीं लग रही क्या कह रहे हो किधर जा रहे हो बात तो सुनो बात नहीं सुनते बड़े बदतमीज हो कहता पागल हो दोस्त कहता पागल हो मैंने कहा बड़े बदतमीज हो कहता पागल हो ठीक है अच्छा तो बस फिर टैबलेट खा लो चलते हैं नीचे और हल्का फुल्का कुछ जब तक मैं नहाना अपने नहाने फ्रेश होने हो जाओ इजी हो जाएगा गर्म पानी है दोस्त हमारे घर भी आता है यार गर्म पानी दोस्त इजी इजी हो जाओ यार फिर जाके नहा लिया था चार घंटे बस नहाया वजह ठंड पानी दोस्त भाई अभी जम के बाहर इतना ठंडा पानी था किधर हार डालना था अच्छा तो बस ये फिर DSP चला गया नहीं है तो मैं समझ गया था जिसको कहा था मिलवाना वो तो मिलवाया लिया बस ठीक है ओके करो ओके करो ठीक है कुछ बातें होती हैं ना थोड़ी सी पब्लिक की करते हैं जी क्या करते हैं वहाँ पर जाके करेंगे यार दोस्त बाय द वे तुम सिख लग रहे हो इधर देखो सिख लग रहे हो ब्लर क्यों हो गए हो आप फोकस में आओ ओवरसाइज वगैरह में नहीं ओवरसाइज नहीं यार ये आपकी बियर्ड और वो ऊपर जो कैप है ना वो ऐसे लग रही है जैसे वो उनकी टर्बन की तरह ये देखो ऐसे ही होगा ब्रो ऐसे ही होगा जब शेर को गोश्त नहीं डालोगे तो शेर घास खाने पे मजबूर हो जाएगा घास खाता अच्छा ठीक है क्या होता है नहीं वो कहते हैं ना कि शेर भूखा है घास तो खाने से रहा लेकिन कई शेरों को घास भी खा देगा ये भी खाती है यार बाहर वाला घास बीमार होने पे खाते हैं ये खुद ही खाती है ऑटोमेटिकली भाग जाती है जी जी बंदरों में एक है कि इंडिया वाली साइड पे एक है खास ये क्या इसे दोबारा तो अपील नहीं हो रही अगर उसे कास्ट की है तो वो आफ्टर 2 years 3 years फुल टाइम अडल्ट वो पहचाना नहीं जाता और फिर हम कहते हैं कि यार ये भी 17 के हैं 18 के हैं क्यों होते हैं इसमें सबसे बड़ी एक जो कहते हैं है ना चीज
आपने देखा कैंसर वगैरह सबसे ज़्यादा इनमें होता है या इस तरह की और वो डेंजरस डिजीज़ है ना, हार्मोनल हार्मोन्स आपके साथ डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको क्या क्या मतलब, उनको जिंदगी किसी को प्यारी नहीं, कोई प्यारी नहीं उनको, और फिर भी ऐसे लोग वो लॉन्ग टर्म कह रहे हो, लॉन्ग टाइम तक जीते हैं। अच्छा फिर चले नीचे, ओके जुलूस। अब वो देखना टहने रोते रहेंगे ऊपर, वो टहना इधर आ जाएगा साइड पे, और आ तो जाते या ये शूज की क्या करना, तो उसका कर देंगे मशीन के अंदर, तो नहीं धुलेंगे ब्रश के साथ धोना पड़ेगा मशीन में, करना दूसरा टॉप पड़ा ना। हाँ उसके पानी डाल के सर्फ डाल के इसको अंदर धो दो बस। हाँ वापसी पा के इसको सिर्फ कहते ऐसे धोना और इसको ड्रायर में डाल देना। हाँ चलो टॉप में पानी भरो ना फिर ज़रा, हल्का फुल्का ब्रश भी मार लेंगे ना पीछे से जहाँ पर वो यार इसे ना वो ये देखो साइड से ना ये देखो ये गैप है इधर लगा लेंगे। वो नीचे ग्लू पड़ी है ना समझ एल्फी, ये वो पता क्या क्या वो दूसरी वाली जो एल्फी लेके है ना वो बड़ी कमाल है पठान, वो तो है ही है लेकिन पठानों से अच्छे तरीके से लगवा लेंगे ना तो सही हो जाएगा। वो घर देख रहे हो तो कैसा बन रहा है, मेन इंटरेस्ट अच्छी है उसकी, मतलब वो जो पिलर बनाया है ना बड़े वाला स्पैनिश लुक देने की कोशिश की है लेकिन थोड़ी सी वही ना वो कहते नहीं जैसे वो स्पैनिश बना दो लेकिन हल्के में 480 पिक्सल में क्या आगे बड़ी स्पेस है। हाँ तो दोस्त ये पीछे तक जाता है ना, लव है जैसे ये वाला घर है ये पिछली स्ट्रीट में इसका डोर है राइट वाला शायद मे बी, और ये तो नीचे नहीं जा रहे आप लोग। यहाँ पे कितने का मतलब कितना स्क्वायर फीट का ये नहीं पता, आप लोग मरले पड़े हैं फ्लोर के सबसे कम। अब वो 256 और आई थिंक 270 इतना गैप है, आप लोग यहाँ पे मतलब 270 कुछ चल रहा होगा। हाँ ठीक है हमारे वहाँ पे 215 215 ओए कराची में भी इतना कम नहीं है दोस्त, कराची में तो कम हो गया। अच्छा आपके मजाक के चक्कर में व्लॉग वैसे ही अभी तक जो है वो 15 मिनट का बन चुका है, तो लेकिन हम वाइंड अप कर देंगे ना, इसे वाइंड अप हम कर देंगे जैसे कि अभी सामान लेकर आएंगे ना तो हम वाइंड अप कर टाइम लैप्स में कर देंगे। हां उसके इसका स्पीड अप कर देंगे, स्पीड अप क्या हम तो बोल रहे हैं ना ब्रो, वो खैर है ये जब काम कर रहा था ना ये सारे स्पीड अप में, चलो वो तो कर देंगे लेकिन साथ में जो है ना वाइंड अप कर देंगे जब हम सामान लेके आएंगे। ठीक है दोस्त का मेरे दोस्त का लस्सी कहां है, खाली है, सुनाओ पेट का, पेट हो गया यस, तबीयत शबीयत ओके, हाल ओके, शुक्र है भाई आपकी वजह से मैंने भी रोजा रखा हुआ था, और अभी जो है ये एक अंडा देके गया है, दूसरा अंडा आना है, लस्सी और चाय। यार ये लाइटिंग बड़ी परफेक्ट पड़ रही है, पता क्यों, ऊपर वाली लाइटिंग देखो एक वाइट है एक गोल्डन है और वो स्ट्रेट ऊपर से आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। फिर वैसे वाइब भी उन्होंने साफ सुथरी वाइब अच्छी से बनाई है, वाइब अच्छी से बनाई है, मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं नहा धो के आ गया हूँ 5 दिन बाद, गुजर बनने वाला था मैं एक दिन ना नहाता तो बोल दिया, लेकिन मैं गुजर ही हूँ साफ सुथरा गुजर जिसे कहते हैं, ये चीज होती है नाश्ता वाश्ता कर ले इसके बाद फिर छोटी छोटी चीजें खाते रहेंगे पीते रहेंगे और ओके जी भाई साहब भाई लोग टाइम बताओ क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं और अभी जो है वो सुबह के निकले और हम बाजार के काम काज करते हुए, ओए ध्यान से भाई, हेलो हमने सब पैकिंग वगैरह स्कैन करके आए हैं, पैकिंग वगैरह अभी वो भी बहुत एक्स्ट्रा पैकेज के पैसे हम देते हैं ना वो ये हमें करने पड़ेंगे। नहीं नहीं तो अभी वही पैक कर रहे थे, लाइट चली गई, लाइट चली जाने के बाद शॉप पर आना पड़ा एमरजेंसी पर काम तो बस अभी यही बताना था कि सामान देने आया शॉप पर, 12 बज रहे हैं तकरीबन, ठंड भी है यार, मेरा सो रहा था उसे उठा के लेके आया हूँ सामान देकर जो है ना, अभी सुबह ही फिर दोबारा पैकेज, क्योंकि अभी थोड़ा सामान जो है वो धुला हुआ था तो अभी तक ड्राई नहीं हुआ क्योंकि आज नीचे निकली, तो बस यही चीज़ है आज का भी लोग जो है वो हम यहीं पर खत्म।